हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। सो गाइस, मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूं आज और एक खुशखबरी देना चाहता हूं। एक्चुअली मैं आप सभी को शायद पता ही है कि मैं आसाम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं यहां पे आसाम में या फिर नॉर्थ ईस्ट में कितना अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए। तो आज भी वैसा ही मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, बात करने के लिए आया हूँ, आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं आपको बोल के बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो इनॉग्रेट फिर से कर दिया, गेट ओपन कर दिया। असम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने वो फीटा काटा है। काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने के लिए अगर आते हैं तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा एंटरटेन हो सकते हैं। किस लिए, कैसे, वही मैं बता रहा हूँ। आज कम से कम एक हफ्ता पहले सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनॉग्रेट किया है काजीरंगा नेशनल पार्क का गेट। आप जिप्सी लेके अंदर तक जा सकते हैं, मतलब जिप्सी सवारी कर सकते हैं आप। पहले क्या हुआ था, अगर आप काजीरंगा नेशनल पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो आप दिन का टाइम में ही घूम के ख़त्म कर देना पड़ता है और उसके बाद शाम तक आप होटल या गेस्ट हाउस कहीं पर भी रुकते हैं, आप वहाँ पर बैठ के बस टाइम पास करना है और कुछ नहीं। इस बार सरकार ने एक बहुत ही अच्छा यही सोचा है कि दिन का टाइम में तो चलो सभी लोग काजीरंगा देखने के लिए आएगा, वैसे रहेगा, शाम का टाइम में क्या करेगा। शाम का टाइम में वो लोग यही करने का सोचा है अभी इस बार। यहाँ पे जो कल्चर है, असम का जो कल्चर है, वो कल्चर को लेके वहाँ पे कुछ कल्चरल इवेंट करेगा जो बाहर का आदमी है उन सबको पता चले कि असम में ऐसा ऐसा कल्चर होता है, इस टाइप से है, इस टाइप का डांस है, ऐसे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करेगा। तो शाम का टाइम में भी आप एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस बार पहले नहीं होता था, इस बार हुआ है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुन के ही अच्छा लगा था। तो आप कहीं पे भी जाते हैं उस जगह का कल्चरल एक्टिविटीज जो है, कल्चरल लाइफस्टाइल जो है, वो आपको देखने का बहुत मन करता है। मगर सो इफ यू आर फॉर्चुनेट देन यू कैन वॉच एंड सी द कल्चरल एक्टिविटीज और कल्चर, द लोकल कल्चर, आप जहां पे भी जाते हैं। तो दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये तो हो गया पॉजिटिव साइन। मैं एक नेगेटिव साइन भी आपको बोलना चाहूंगा। इस बार अगर आप अभी आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, मतलब अभी अक्टूबर का महीना है, अगर अभी आते हैं तो अभी आने से आपको क्या क्या होगा, 8 किलोमीटर तक ही आप अंदर जा सकते हैं। आप जिप्सी सवारी कर सकते हैं 8 किलोमीटर तक, मगर एलिफेंट राइड नहीं कर सकते हैं। एलिफेंट राइड आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी जो माहौल है, अभी जो एनवायरनमेंट है, अभी जो काजीरंगा का जमीन है, वो अभी भी ठोस नहीं हुआ है। मतलब कुछ महीने पहले ही ऐसा भयंकर बाढ़ आया था, वो बाढ़ के कारण वो जो काजीरंगा का जमीन है, माटी है, मिट्टी जो है, वो पूरा गीला है अभी भी। वहां से अगर हाथी गुजरेगा, हाथी अगर जाएगा तो डेफिनेटली वो फंसेगा ही फंसेगा, अंदर जितना जाएंगे उतना ठसेगा अंदर। तो इसीलिए हाथी सवारी जो है, एलिफेंट सवारी अभी बंद करके रखा हुआ है और कुछ दिन पहले अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मतलब रिनोवेट कर रहा है, अच्छा कर रहा है, रास्ता भी अच्छा कर रहा है। तो वो सब करते करते थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मगर आपको थोड़ा सा वेट करना है, अभी आपको नहीं आना है। आ सकते हैं मगर इतना अच्छा से आप नहीं देख सकेंगे, 8 किलोमीटर सिर्फ अंदर जा सकेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर अभी अगर आएंगे तो। और कुछ महीने बाद आएंगे तो 35 किलोमीटर तक आपको जा सकते हैं। वहां पे आप हाथी एलिफेंट सवारी कर सकते हैं और फिर जिप्सी सवारी भी कर सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि आप इतना मेहनत करके आएंगे, तो कुछ दिन और रुक जाइए, उसके बाद आइए आप, तब आप एलिफेंट सवारी और जिप्सी सवारी से आप 35 किलोमीटर तक आप अंदर जा सकेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क।
अभी तो 8 किलोमीटर खुला है वो प्रॉब्लम की वजह से। जो कोई भी काजीरंगा आना चाहता है डेफिनेटली ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्प होगा। और एक बात बोलना चाहूँगा, काजीरंगा में आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम मैं मेरे हिसाब से बोलता हूँ अक्टूबर महीना आप छोड़ ही दो, नवंबर लास्ट से लेके दिसंबर जनवरी फरवरी ये सबसे बेस्ट महीना होता है। अगर इस महीने में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको अच्छा से काजीरंगा घूम सकते हैं। और टी गार्डन्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप आराम से टी गार्डन्स भी एंजॉय कर सकते हैं, रास्ता बहुत ही अच्छा है। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा कि काजीरंगा के ऊपर से एक बहुत ही लंबी फ्लाईओवर बनने वाली है, शायद मुझे लगता है कि ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है। और ये अगर फ्लाईओवर बनेगा ना तो मैं कसम से बोलता हूँ ये शायद सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा। सो बहुत ही अमेजिंग लगेगा वहाँ से, आप जो ब्रिज है फ्लाईओवर जो है वो अगर बनाएगा ना वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क को देखने के लिए। वहाँ पे रुकने नहीं देगा, वैसा भी एक ब्रिज बना सकता है वो, वहाँ पे व्यू पॉइंट्स भी बना सकता है विद पार्किंग, कार पार्किंग वैसे भी बना सकते हैं। अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैसे बनाएगा। और ये मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, फ्लाईओवर किस लिए बना रहा है, फ्लाईओवर इसलिए बनाएगा जो जानवर है वो रास्ते से गुजरता है, मेन हाईवे से क्रॉस करना पड़ता है, तो क्रॉस करने के टाइम में काफी सारे हादसे भी ऐसे हुए हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हुए हैं। ऐसा भी कोई शिकारी होता है कि वन हॉर्न राइनो हो, टाइगर हो, हिरन हो, कोई भी जंगली जानवर हो, उसको शूट करके मार के वो लोग लेके जाता है, ये बहुत ही खराब काम है। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार को भी, कुछ साल पहले तक बहुत ही वन हॉर्न राइनो को मार दिए गए हैं। ये तो आसाम के लिए सबसे सबसे माइनस पॉइंट है, क्योंकि आपको जान के ये हैरानी शायद होगी, आसाम का जो वन हॉर्न राइनो है वो वर्ल्ड में और कहीं पे पाया नहीं जाता है, सिर्फ असम में ही पाया जाता है, शायद जू में कहीं कहीं हो सकता है इंडिया में, मगर ये बेसिकली असम से बिलोंग करता है। तो अगर वो फ्लाईओवर बनने के बाद वो जो शिकारी है वो शिकार नहीं कर पाएंगे, और जो रोड एक्सीडेंट होते हैं रास्ता क्रॉस करने के टाइम पे वो नहीं होंगे, तो इसीलिए वो फ्लाईओवर बनाएगा और बहुत ही औसम लगेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा आप इंजीनियरिंग का कमाल दिखाइए कि वहाँ से जितना भी काजीरंगा नेशनल पार्क है सबको दिखाई दे, वहाँ पे पार्किंग वार्किंग बनाइए, वहाँ पे अच्छा सा सिक्योरिटी लगाइए, तो जाके मुझे लगता है एक्सीडेंट भी कम होगा और आपका व्यू पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा होगा और बहुत अच्छा लगेगा, टूरिस्ट भी अच्छा से आएगा, देख के मज़ा आएगा उन लोगों को। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बोलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कुछ भी करिए, ये आपका मर्जी है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आई होम, बाय बाय।